हौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह और स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन, आज मैं आपके खिदमत में उस प्रोजेक्ट को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, उसके कुछ गुड न्यूज़ और उसके कुछ बेहतरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो प्रोजेक्ट के जिसकी आपको मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं कि जिसकी वो काफ़ी देर से सुनना चाह रहे हैं कि इसके अच्छे दिन या इसकी बेहतरी कब आएगी। तो मौजूद नाज़रीन, उस प्रोजेक्ट का नाम है अल कबीर ऑर्चर्ड, जो कि अपना कलाशर का ऊपर लोकेट करता है। इसकी लोकेशन जो कि नहायत ही एक अच्छी और फ्यूचर में जो सबसे बेहतरीन लोकेशन साबित होने वाली है, वो अल कबीर ऑर्चर्ड की लोकेशन है। अब काला शाह काकू इंटरचेंज से जैसे ही एग्जिट करते हैं, आप मेन जीटी रोड पर आते हैं, जो पहला यू टर्न आपने लेना है, उसके बिल्कुल यू टर्न के जो सामने अपना अल कबीर ऑर्चर्ड का गेट आ रहा है। तो मौजूद नाज़रीन, सबसे पहली जो कि सोसाइटी उस एरिए में जो कि इतने मेगा प्रोजेक्ट और इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ के साथ आ रही है, वो अल कबीर ऑर्चर्ड है। इसके साथ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अल कबीर ऑर्चर्ड, इसके कुछ अपने फीचर्स, अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपना दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत ये सस्ती भी है, और इसके जो अमेनिटीज़ और जो जो भी फर्दर इसमें चीज़ें उन्होंने अल कबीर डेवलपर जो कि अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने आवाम को इंट्रोड्यूस करवाई, तो मौजूद नाज़रीन वो इस प्रोजेक्ट में भी इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी हद तक बेहतर आएंगी। ये अपना जो अल्फाज चौधरी औरंगज़ेब साहब के ये अल्फाज हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, इसमें एक बहुत ही आज कल आपने ख़ुद भी इस चीज़ से वास्ता होंगे कि जिसका मेट्रो बस का जो कि अपना शाहदरा से लेकर काला शाह काकू तक मेट्रो बस का तथा जो कि पिछले दिनों जो मियां शहबाज शरीफ साहिब उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसका भी जिक्र किया, जो कि अपना शाहदरा से काला शाह काकू तक जिसको अपना तस्वीर कर दिया गया। तो मौजूद नाज़रीन, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है काला शाह काकू की टोटल सराउंडिंग के लिए। आज मैं जो कुछ पॉइंट्स बताऊँगा वो ना कि सिर्फ अल कबीर ऑर्चर्ड से वाबस्ता है, बल्कि वो पूरे काला शाह काकू से वाबस्ता है। दूसरी बात कि आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि चाइना कंपनी ने अपना एक बहुत ही मेगा थीम पार्क जो कि 300 से 350 एकड़ पर मुश्तमिल अपना काला शाह काकू में जो लोकेट करेगा और उसको अपना ऑपरेशनल उसको करने के लिए उसके काम को स्टार्ट कर दिया गया है। अगर उसके टोटल में अप्रोक्सीमेटली खर्चे की उसके बाद बताता चलो कि उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, तो वो कोई 32 बिलियन प्लस उसके ऊपर अपना जो कि खर्च आएगा। मौजूद नाज़रीन, इतना बड़ा एक डिज्नीलैंड काला शाह काकू में चाइना की कंपनी देने जा रही है। तो ये इसकी कबीर ऑर्चर्ड, इसके बिल्कुल अपना नियर बाय अल कबीर ऑर्चर्ड के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक इसको लग रहा है वो अल कबीर ऑर्चर्ड और लाहौर स्मार्ट सिटी इसके ज़्यादा करीब हैं। और उसके बाद मौजूद नाज़रीन, अल कबीर ऑर्चर्ड में इसकी कुछ डेवलपमेंट के स्टेटस के बारे में आपको बताता चलूँ, तो अपना ए ब्लॉक की जो कंस्ट्रक्शन है, जो एक ब्लॉक की डेवलपमेंट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आगे विद इन फ्यू मंथ्स आप कह लें कि यही बस कोई 1 से 2 मंथ तक इसकी ए ब्लॉक की जो बेल्टिंग है उसका इंशाल्लाह आगाज़ हो जाएगा। ए ब्लॉक की बेल्टिंग आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे, जितने भी अपना अल कबीर ऑर्चर्ड के कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी सरमायाकारी को महफूज किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला अल कबीर ऑर्चर्ड जो कि अपना उस एरिए में फिल वक्त एक बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट प्रोजेक्ट साबित हो रहा है कि यह सबसे ज़्यादा सस्ता प्रोजेक्ट है। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ इसकी अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री देख करके, इन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए वो भी इसी तरह सस्ते थे, लेकिन लोगों ने उसमें जो अपना रिटर्न बेनिफिट बहुत ज़्यादा कमाया और जिन्होंने अपना रेजिडेंशियल के पर्पज़ से अप्लाई किया उनके पास भी आज वो अपनी अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ एक अच्छी छत के नीचे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो मौजूद नाज़रीन, अल कबीर ऑर्चर्ड काला शाह काकू में फर्दर इतर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन इसके जो प्राइजेज़ हैं वो इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर उनके साथ अपना लगेंगे, जो कि अपना इन अल कबीर ऑर्चर्ड की और दूसरे जो कुछ मेगा प्रोजेक्ट उसकी और इसकी प्राइसेस में हाफ हाफ का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 साल में इनकी जो अल कबीर ऑर्चर्ड की हाइप है वहाँ तक जाएगी और आगे फर्दर इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। तो मौजूद नाज़रीन, इसमें अगर फिल वक्त इसकी कैटेगरीज़ की आपको बात बताता चलूँ कि इसमें कमर्शियल का पिछले दिनों भी काफ़ी आ रहा था कि कमर्शियल इसका लॉन्च कर रहे हैं, उसकी नाज़रीन एक्सपेक्टेड है कि अपना इस अगस्त के अंदर कमर्शियल की भी कोई आवाज़ निकाली जाए कि कमर्शियल को भी लॉन्च कर देंगे, और उसके बाद जो कि बेल्टिंग का तो इंशाल्लाह ये 1 से 2 माह के अंदर इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इसकी बेल्टिंग को कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें जो एक अल कबीर ऑर्चर्ड ने 3 मरला की नई डील दी थी जिसमें 12 लाख रुपया टोटल प्लाट की प्राइस और 2.5 लाख रुपये उसकी डाउन पेमेंट, बाकी फर्दर पेमेंट प्लान वैसे ही है। इसमें नई डील में बुकिंग करने का नाज़रीन ये फ़ायदा है कि आप इसकी जस्ट डाउन पेमेंट देंगे और आपकी बुकिंग हो जाएगी,
ना कि जो इनकी जो पुरानी बुकिंग है 3 मरला की, उसमें अभी तक उसकी 10 से 11 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं। वो आपकी बुकिंग तब होती है जब आप उसकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स साथ देते हैं, फिर उसकी आप बुकिंग करवा सकते। लेकिन नई डील में आपके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जस्ट डाउन पेमेंट पर अपना बुकिंग करवा सकते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, अल कबीर ऑर्चर्ड इंशाल्लाह ताला इसकी जो अगर मैं मार्केट किस वक्त प्राइजेज़ की आपको बात बताता चलूँ, जो कि अपना हर बंदे को ये था कि इसकी प्राइजेज़ कब बेहतर होंगी, लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह इसकी जो बुकिंग्स हैं, इसकी जो कैटेगरी उसके ऊपर ऑन कब आएगा, तो मौजूद नाज़रीन अब उसके दिन नज़दीक हैं। जैसे ही इंशाल्लाह ताला इसकी बैलेटिंग होगी और इसका जो ए ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आप ख़ुद देखेंगे कि अल कबीर ऑर्चर्ड की हाइप कहाँ से कहाँ जाती है। मौजूद नाज़रीन, इसमें अपना बुकिंग के लिए या अल कबीर ऑर्चर्ड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी सेल परचेज के लिए किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल रहा है, मुझसे किसी वक्त रब्ता कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपकी तमाम रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको मनोवर शाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।